हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ द मोस्ट वायरल हैक बाय 5 मिनट क्राफ्ट। सो इनके जो हैक्स होते हैं ना, इतने हाई लेवल के होते हैं ना कि ना चाहते हुए भी आप सोचोगे कि चलो इनके हैक एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए। तो मैं भी जब इनके वीडियोस देख रही थी तो मुझे भी कुछ हैक्स उसमें से दिखे, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे इनके कुछ हैक्स। तो मैंने उनमें से कुछ सेलेक्ट किए, फिर मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के साथ साथ मैंने सोचा कि मैं वो एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ भी शेयर करूँ। जो मैं हैक ट्राई करने वाली हूँ वो मेकअप से रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। तो अगर आपको ये पसंद आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, स्क्रीन पे आप यूज़र आईडी नेम देख सकते हो और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं हमारा पहला हैक कौन सा है। कि आपने देखा इस हैक में आपको बताया गया है फाउंडेशन लगाने का एक निंजा टेक्निक। तो जो जो चीज़ें हमें चाहिए पहले हम वो ले लेते हैं। तो इस हैक को ट्राई करने के लिए हमें चाहिए था ये 3 चीज़ें, ये है फाउंडेशन और ये इंजेक्शन और ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर। तो अब है टेस्ट की बारी, तो हम कर लेते हैं उस हैक को टेस्ट। ये एक फाउंडेशन हैक है, तो आपको ब्यूटी ब्लेंडर में नीडल की हेल्प से फाउंडेशन को डालना है और आप बहुत ही ईजिली फाउंडेशन को आप अपने फेस पर लगा सकते हो। तो चलो ट्राई कर लेते हैं ये वाला हैक। ये रहा इंजेक्शन और उसके बाद इसमें से निकाल। खींच ही नहीं रहा इसमें, फाउंडेशन ठीक होने की वजह से शायद ये पतली सी निडल में आ नहीं रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं कितना भी ट्राई कर रही ये हो नहीं रहा है। मैं कितना भी ट्राई कर रही हूँ हो नहीं रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इसको निकाल लेती हूँ और फिर मैं करूँगी तो इसमें फाउंडेशन आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतली है ये निडल और फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है। सो मे बी इस वजह से इसमें नहीं आ रहा है। अब आ जाना चाहिए मुझे लगता है इसके अंदर। A few moments later. ये भी नहीं आ रहा है, मेरा फाउंडेशन बस बर्बाद हो जा रहा है। 5 minutes later. तो फाइनली फाउंडेशन इसमें आया बहुत ही मुश्किल के बाद। निडल इतनी पतली थी और फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है, सो मे बी उसकी वजह से वो नहीं ले पा रहा था। फिर मैंने निडल को निकाला और ऐसे मैंने फाउंडेशन को फिर इसमें अंदर डाला, उसके बाद फाइनली ये आई। अब मैं निडल को लगा लेती हूँ उसमें। तो ये था निडल और टेस्ट कर लेते हैं कि ऐसे इसमें आता भी है या नहीं। ओ फाइनली आ रहा है इसमें, ये आप देख सकते हो। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर में डालूंगी और इसमें जैसे इंजेक्शन देते हैं किसी को, तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर को फाउंडेशन का इंजेक्शन दूंगी। तो ये रहा मेरा ब्यूटी ब्लेंडर और अब मैं इसको इंजेक्शन देती हूँ फाउंडेशन का। तो हो ही नहीं रहा, कितना भी प्रेशर डाल लो ये जाने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कितना भी प्रेशर डाल लो, बहुत ज़्यादा प्रेशर जा रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है और चला गया। अब बारी है उस हैक को ट्राई करने की, तो मैं इसको देखती हूँ पहले इसमें से फाउंडेशन निकलता है कि नहीं। ओ भाई, फाउंडेशन पता नहीं किधर चला गया, कहीं से भी नहीं निकल रहा है। मैं कितना भी कोशिश कर रही इसमें से निकल ही नहीं रहा। तो आपने देखा ना, मैंने कितनी कोशिश की, वो फाउंडेशन पता नहीं किधर चला गया और इसमें से निकलने का नाम नहीं ले रहा है, मेरा फाउंडेशन भी बर्बाद हो गया। तो ये हैक ना बकवास हैक है, बिल्कुल भी ट्राई मत करना, आपका फाउंडेशन चला जाएगा। पता नहीं आपका फाउंडेशन बर्बाद होगा, दूसरा आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि वो निडल में आ नहीं रहा था। फिर निडल को निकालो, फिर ऐसे उसमें फाउंडेशन को डालो और डालने के बाद रिजल्ट भी वहीं आया, पता नहीं किधर चला गया, गायब ही हो गया। तो ये ले गया ब्यूटी ब्लेंडर फाउंडेशन को अपने अंदर, अब वो बाहर निकालने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं कहूँगी ना, 5 मिनट क्राफ्ट का ये हैक ना आप बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि ये एक बकवास हैक है।
प्लीज ट्राई मत करना। पहला हैक बुरी तरह से फेल होने के बाद तो हम बढ़ते हैं दूसरे हैक की तरफ और देख लेते हैं हमारा ये वाला हैक। तो जैसे कि आपने इस हैक में देखा, अगर आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होता है तो आप टेप की हेल्प से बहुत ही इजीली लाइनर लगा सकते हो। तो उसके लिए आपको चाहिए ये पेपर टेप। सो ये रहा मेरा पेपर टेप और आपको चाहिए आई शेडो पैलेट। चलो हम ट्राई कर लेते हैं इस हैक को। उस हैक में जिस तरह से बताया गया था लगाने के लिए, हम वैसे इसको लगा लेते हैं पहले। फाइनली मैंने कर लिया ये जो भी करना था उस हैक के लिए। लगाने के बाद में सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं फटाफट से ये कर लेती हूँ। सो आई शैडो पैलेट में से लेंगे हम ब्लैक कलर। ये लिया मैंने ब्लैक आई शैडो, जैसे हैक में बताया गया था वैसे मैं इसको लगा लेती हूँ। लगा लिया ये ब्लैक आई शेडो। अब बारी है फाइनल रिजल्ट देखने की, तो अब मैं इसको रिमूव करती हूँ। कि आप देख सकते हो ये रिजल्ट ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कमाल का है। ये हैक 100% वर्क करता है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको लाइनर लगाने में प्रॉब्लम होती है तो ये हैक अब ट्राई करके इजीली लाइनर लगा सकते हैं। देख लेते हैं हमारा अगला हैक कौन सा है। कि आपने देखा इस वाले हैक में ये बताया गया है कि अगर आप ग्लिटर वाले आई शेडो यूज़ करते हो और उसके बाद आपको निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आप सेलो टेप का यूज़ करके ग्लिटर आई शेडो को बहुत ही इजीली रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ग्लिटर वाले आई शेडो को लगा लेती हूँ, उसके बाद हम इस हैक को ट्राई। मैंने ग्लिटर वाले ढेर सारे आई शेडो, अब मैं इसको लगाती हूँ। और ये लगा लिया मैंने ढेर सारे ग्लिटर वाले आई शेडो। अब बारी है टेस्ट की, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। मेरा सेलो टेप, अब मैं इसे कट करके उस हैक को ट्राई करती हूँ और फिर देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। ग्लिटर के साथ साथ इन्होंने मेरे आईलाइनर को भी निकाल दिया, बट कोई बात नहीं, हैक तो काम कर रहा है ऐसा लग रहा है। बहुत सारा ग्लिटर तो निकल चुका है, तो थोड़े बहुत रह गए हैं। एक बार और मैं सेलो टेप लगाती हूँ और शायद दूसरी बार में ये सारे निकल जाए। ये ना कुछ उस तरह का है जैसे हम वैक्सिंग करते हैं ना, तो थोड़े थोड़े बाल जो रह जाते हैं तो फिर हम उसको वहीं लगाते हैं फिर निकालते हैं, वही हाल है इसका भी, थोड़े बहुत तो रह ही जा रहे हैं। लड़की ने ये भी बताया था कि आप एक बार में सेलो टेप लगाते हो एंड सारे आपके जो ग्लिटर्स होते हैं वो निकल जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब तक 3 से 4 बार तक नहीं लगाते हो तब तक आपके सारे ग्लिटर्स नहीं निकलेंगे। तो ये हैक तो काम किया बट एक बार में नहीं निकला, ये मैं कह सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये हैक पास हुआ या फिर फेल हुआ। ये थे हमारे कुछ वायरल हैक्स जो कि मैंने टेस्ट किया और आपके साथ शेयर किया। होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।